फंक्शन में डिस्कस करेंगे वन वन और राउंड टू के बारे में। जैसे फंक्शन है सर एफ एस एस डेट ए टू बी मीन्स ए हमारे पास एक सेट है बी दूसरा सेट है इसमें ए बी सी एंड डी एलिमेंट्स है वन टू थ्री एंड फोर है और ये रिलेट इस तरह से है ए टू से बी थ्री से सी वन से एंड डी फोर से सपोज। तो अब आप इसमें क्या देखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ये वाला पार्ट डोमेन है को डोमेन एवरी पार्ट ऑफ डोमेन जो है ना कोई भी हर एक एलिमेंट किसी को भी देख लो ए टू से रिलेट है बी थ्री से रिलेट है सी वन से एंड डी फोर से तो इसमें क्या हुआ एवरी एलिमेंट है इट्स यूनिक इमेज इन को डोमेन बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग इट्स यूनिक इमेज इन को डोमेन देयरफॉर एफ इज वन। ठीक है ना तो हमारे पास को वन वन को डिस्कस करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि एक्स वन बिलोंग कर रहा है ए से और एक्स टू बिलोंग कर रहा है कोई एलिमेंट बी से और इफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू हो और इससे मेरे को प्रोवाइड हो जाए एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू तो भी क्या होता है वन वन ऐसा भी हो सकता है एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इस केस में मेरे को मिल जाए सॉल्व करने का एफ एक्स टू नॉट इक्वल टू एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू मिल जाए तो भी क्या होगा वन वन कल से। अब बात करते हैं ऑन टू की ऑन टू में देखो बेटा क्या है ये हमारे पास वन है इसकी प्री इमेज सी है टू की प्री इमेज ए है थ्री की प्री इमेज बी है फोर की प्री इमेज डी है तो सबकी प्री इमेज अवेलेबल है इसमें बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग इट्स प्री इमेज इन डोमेन सो एफ इज ऑन टू और वन वन ऑन टू दोनों जैसे क्या बोलते हैं तो एफ इज बाइजेक्टिव वन वन का दूसरा नाम क्या है इंजेक्टिव और ऑन टू का दूसरा नाम क्या है सब्जेक्टिव। ठीक है ना ये सिर्फ बाइजेक्टिव प्रूव कर सकते हैं। अब अगर इसको थोड़ा सोचा जाए जैसे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई नेट कर लेते हैं अपन और वाई किसको बिलोंग कर रहा है बी पार्ट को बिकॉज वाई बिलोंग्स टू बी पार्ट एंड इसके लिए जो एक्स की वैल्यू प्रोवाइड होगी वो एक्स अगर ए से बिलोंग कर ले तो उस केस में अपन को क्या बोलेंगे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। बहुत ढंग से समझो वन वन और वन टू ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड में से क्वेश्चन बनता है बी सिंसियर। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो इसके दो पार्ट्स हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर जो फंक्शन एफ है आर स्टार बिलोंग्स टू आर स्टार है और ये आर जो स्पेशली डिफाइंड है इसका मीनिंग यह है कि आर में से हम जीरो इसमें से हटा देते हैं मीन्स इस रियल नंबर में जीरो अवेलेबल नहीं है उसको स्पेशली डिफाइंड किया आर स्टार से और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स हम इसको वन वन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं लेट एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू वैल्यू रखो देखे वन अपॉन एक्स वन इक्वल टू वन अपॉन एक्स टू और एक्स वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स टू आ जाएगा। अब देखो इसमें यह बताना जरूरी है एक्स वन एक्स टू किसको बिलोंग करते हैं तो एक्स वन बिलोंग करता है इसको आर स्टार दोनों सेम ही है और एक्स टू भी इसी को बिलोंग करता है ये इसका डोमेन हो गया ऐसा है को डोमेन हो गया। अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहे हैं एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो इसको हम क्या कह सकते हैं देयरफॉर एफ इज वन वन। प्रैक्टिकली भी देखें तो अगर अपन कोई भी रियल नंबर इसमें इनपुट करते हैं कोई भी रियल नंबर से फाइव है तो इसका आंसर क्या आएगा वन बाई फाइव। वन बाई फाइव खुद क्या है एक रियल नंबर
7 डाल कर 1 बाय 7, माइनस 2 डाल कर माइनस 1 बाय 2, सभी में जो रिजल्ट आ रहे हैं सारे रियल नंबर आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आएगा साहब 0 भी तो रियल नंबर है, बट इन दिस क्वेश्चन 0 को इसमें रियल नंबर में से अवॉइड किया गया है, तो हम इसमें 0 इसमें पुट नहीं कर सकते। अगर 0 पुट करेंगे तो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इसलिए आप 0 तो इसमें वैसे ही पहले से हटा दिया, तो लेंगे नहीं हम। और क्या देखेंगे इसके अंदर, fx1 = fx2 लेट किया और हमने फाइंड किया क्या x1 = x2 मींस ये क्या हो गया 1 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी इसका रियल नंबर होगा उसकी यूनिक इमेज होगी को डोमेन के अंदर, इन डोमेन का कोई भी रियल नंबर है जो r इसका मतलब 0 के अलावा एक्सेप्ट 0, तो उसकी इमेज कैसी होगी, यूनिक इमेज होगी, यानी कि उसके अंदर एक ही आंसर प्रोवाइडेड होगा, इसको हम क्या कह सकते हैं 1 1 कह सकते हैं, या दूसरा नाम क्या इसका इंजेक्टिव। अब देखो बेटा लेंथ fx = y, fx की वैल्यू कितनी है 1/x, तो इसमें क्या करना होगा x की वैल्यू निकालनी होती है, x = कितना हो गया 1/y करेक्ट। अब हम देखते हैं y की वैल्यू, y y कहां से डाला जाता है, y हमेशा किससे लिखते हैं कोडोमेन से, और यहां पर कोडोमेन कौन है r स्टार है, इन r स्टार कौन है जिसमें वो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो अगर मैं कोई भी रियल नंबर यहां पर करूंगा 0 के अलावा, तो जैसे मैंने 2 पुट किया तो 1/2, 1/2 पुट किया है डोमेन में अवेलेबल है दैट इज आल्सो रियल नंबर, मैं 5 डालूंगा 1/5 इज आल्सो रियल नंबर, √3 डाल दो 1/√3 आल्सो रियल नंबर, तो y की कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट 0 में अगर मैं पुट करूंगा तो x जो मिलेगा मेरे को क्या मिलेगा बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन इज व्हाट r स्क्वायर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं फॉर ऑल y belongs to r star, therefore f is कौन सा onto, यानी कि सीधे सीधे वर्ड से समझे तो इस फंक्शन के अंदर कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की प्री इमेज डोमेन में अवेलेबल है, सबकी प्री इमेज बिकॉज डोमेन में अवेलेबल है, इसलिए अपन इसको onto कह सकते हैं। जब ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू एन क्या होगा, ये बाइसेक्टिव होगा, क्या होगा ये बाइसेक्टिव होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात कही गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर अपन डोमेन के अंदर आर स्टार की जगह नेचुरल नंबर रिप्लेस कर दें, जैसे सेकंड पार्ट एफ एफ सच दैट नेचुरल टू आर स्टार हो जाए तो क्या होगा, इस केस में क्या कर सकते हैं, तो भाई देखो नेचुरल नंबर दिया ना, तो नेचुरल नंबर इस फंक्शन कितना है ध्यान दो 1/x, जैसे हम कोई भी नेचुरल नंबर सपोर्ट करेंगे तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी क्या होगा, वो रियल नंबर होगा, कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे ना, जैसे 5 डाला तो 1/5 क्या है r स्टार अवेलेबल होगा यानी कोडोमेन में होगा, और 7 डाल दें 1/7 भी इसमें अवेलेबल होगा, 9 डाले तो वो भी होगा, -3 डाल सकते हैं नहीं बिकॉज वो नेचुरल नंबर नहीं है, ध्यान रखने इस बात का, ओनली नेचुरल नंबर ही अपन कर सकते हैं, तो जो रिजल्ट को आ रहे हैं क्या होंगे वो आर स्टार में रिजर्व होंगे, ठीक है ना, तो ये वन वन तो हो गए होगा। लेकिन थोड़ा और वापस सोचो कि अगर आर स्टार की तरफ देखता हूं मैं, तो आर स्टार मतलब रियल नंबर एक्सेप्ट 0 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी वैल्यू होगी जो जिनकी प्री इमेज डोमेन में होगी नहीं, जैसे मैं बताऊं 1.5 क्या डेसिमल वैल्यू है, उसकी प्री इमेज डोमेन में इन नेचुरल नंबर में नहीं हो सकती, तो 1.5 अगर मैं प्री इमेज देखूंगा तो नेचुरल नंबर तो हो ही सकता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन एंड दिस डोमेन, तो मैं क्या कहूंगा इसको नॉट ऑन टू, इसको ऑन टू अपन कह नहीं सकते, तो ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा, अगर अपन नेचुरल नंबर आर स्टार को रिप्लेस करें तो ये सेंस है, बहुत अच्छे ढंग से इसको सोचे, इसके सेकंड पार्ट को थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। देखो हमारे को इसमें डोमेन दिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और कोडोमेन दिया इसमें आर स्टार विच इज स्पेसिफिकली डिफाइंड r minus 0 that is
minus 1, minus 2, minus 3 and so on, 1, 2, 3 and so on, and 1.1 also, 2.6 also, many values it has, root 3 also, minus 2.5 also, so many values in real number can be possible. And function f x equals to what? 1 by x, and here f is natural to r star. In second part of first question, we insert one first term, we getting only 1, 2, 1 by 2, ठीक है ना? और अगर मैं इसमें 3 put करता हूँ तो 1 by 3, because function f x equals to 1 by x, and 4 put करता हूँ तो क्या होगा? 1 by 4, ये सारे क्या है? R star n की इसको follow करते हैं, यानी 1 तो 1 से लेट होगा, 2 होगा 1 by 2 से, तो R star available है, 1 by 3 also available, 1 by 4 also available. और सबकी इमेज कैसी आ रही है? यूनिक इमेज आ रही है. तो मैं क्या करूंगा बेटा? Because every element of domain having its unique image in codomain, so f is 1. ये पास जैसे हमारे पास में यहाँ पर होगा negative part वाला negative पूरा part और decimal values, square root की values, इन सब की क्या होगी? Pre-image इसमें available नहीं होगी. Half की pre-image तो है, लेकिन 2 की pre-image नहीं है, 3 की pre-image नहीं है. तब क्या कह सकते हैं? Because many elements, example दें इसका, जैसे हमारे पास 2 है, 5 है, 7 है, minus 2 है, minus 1 है, तो मैंने examples दिए हैं, and so on. Many elements of codomain not having their pre-mates in domain, so f is not onto. पता है ना आपके? और तो तभी हो सकता है जब इन सभी एलिमेंट्स की प्रीमेज इसका अवेलेबल हो, बिकॉज इसके अंदर क्या हुआ है? इसकी प्रीमेज नहीं है, इसकी प्रीमेज नहीं है, इसकी प्रीमेज नहीं है, 1.1 की नहीं है, रूट 3 की भी नहीं है, तो इसको ऑन तो नहीं कह सकते. सीधा सीधा समझ लो, इन सबकी इमेज अगर इसके अंदर है यूनिक इमेज तो 1-1 होगा, और इनकी प्रीमेज बिकॉज इन एलिमेंट्स की प्रीमेज इसमें नहीं है तो इसको अपन क्या कहेंगे? नॉट ऑन. तो क्या नहीं होगा? बाइजेक्टिव भी नहीं. बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से समझ लो तो आगे क्या बेसिक का काम करेगा और आगे आपके प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही नेचुरल है, फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो बेटा इसको अपन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों चेक करेंगे. तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड fx1 इक्वल्स टू fx2, लेकिन लेट क्या है? सिंपलीफाई करके देखते हैं, fx की वैल्यू कितनी? x स्क्वायर है, तो fx1 कैसे आएगा? इस x की जगह x1 डाल रहा हूं, यहां भी x1 आ जाएगा, मींस x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर. लेफ्ट साइड को ट्रांसफर कर दो, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a square minus b square, यानी कि ax1 plus x2 and x1 minus x2 is equals to 0. अब बेटा देखो, x1 plus x2 अगर वैल्यू हो, ये not equal to 0 होगी, बताओ क्यों? क्योंकि x1 x2 किसको बिलोंग कर रहा है? दोनों नेचुरल नंबर को, और दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता. वापस ध्यान दें, दो नेचुरल नंबर का सम कभी भी 0 नहीं हो सकता. तो हमारे पास x1 plus x2 not equal to 0 आ गया, तो देखते हैं x1 minus x2 की तरफ, यस ये तो हो सकता है, तो x1 equal to कितना हो गया इस केस में? x2 ही होगा.
तो हम क्या कंसीडर कर रहा है fx है इक्वल टू fx2 और गेन क्या क्या x1 इक्वल टू x2 देयरफॉर f इज 1 1 या कह सकते हैं इंजेक्टिव प्रैक्टिकली करके देखते हैं अगर अपन n नेचुरल नंबर वही नेचुरल डोमेन एंड कोडोमेन 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन देखो बेटा 1 अगर मैं यहां 1 डालूंगा f1 मींस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 1 से लेट 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ये से लेट 3 हो जाएगा 9 से लेट 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 एंड सो ऑन देखो इसमें एक चीज मिल रही है मेरे को किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करूंगा तो यूनिक मिलेगा और वो नेचुरल नंबर ही होगा मींस यूनिक होगा और इसके अंदर ही होगा सो वी कैन से दैट इट इज 1 एंड थ्योरेटिकली अपन इसको ले लिया अब थोड़ा ऑन टू के बारे में दिमाग लगाते हैं इस यहां से देखें 2, 3, 5, 6 and so many numbers not have their pre-image. देखो 1 की pre-image 1 है, 4 की pre-image 2, 9 की pre-image 3, 16 की कितनी हो गई? 4 हो गई. But 3 की pre-image कहाँ है? नहीं है ना? तो ये on to नहीं हो सकता. Prove कैसे करेंगे? Let fx equals to y. अब fx की value कितनी है? x square है. x square equals कितना हो गया? y निकालें x की वैल्यू इससे that is equal to हो जाएगा root of y और y कहां से बिलोंग करेगा इसको यहां से y आएगा और यहां पर क्या होना चाहिए x ये x की वैल्यू इसमें होनी चाहिए तभी हम इसको ऑन टू कर पाएंगे नहीं तो ऑन टू नहीं कर पाएंगे अब मैंने क्या किया अगर मैं 16 डालता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं 16 क्यों डालूं मैं डालूंगा 5 इसमें अगर मैं 5 डालूंगा तो root 5 आएगा और root 5 x की वैल्यू किसको बिलोंग नहीं करती है नेचुरल नंबर को ठीक है ना एक आंसर सफिशिएंट है तो कहने के लिए तो मैंने 5 डाला रूट 5 जो है वो क्या होगा नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा तो मैं स्टेटमेंट का लिखूंगा x = रूट 5 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो कुछ जगह तो हो सकता है लेकिन सभी जगह नहीं हो सकता देयरफॉर f इज onto the existence of. Clear? It's very good question.